हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशल सुशर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जो एमपीपीएससी की तरफ से अभी स्लेट का फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसकी आंसर शीट। इसमें आपको मिलेंगे पूरे 50 क्वेश्चंस और उनकी आंसर शीट। ये वीडियो है जो पहले पार्ट में हुआ था, यानी पहले पार्ट में सुबह जो हुआ था वो है, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो दोपहर की शिफ्ट में हुआ था उसमें। तो ये आपका नोटिस है 17 जनवरी 2019 का, जो एमपीपीएससी की तरफ से दिया गया था, जिसमें आपको यहाँ नीचे क्वेश्चंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मॉडल आंसर की है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये शिफ्ट वन का आंसर की है, यानी शिफ्ट वन में जो हुआ था वो। तो पहला क्वेश्चन था, अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है, किस चीज़ पर करती है। तो इसमें आंसर करेक्ट दिया है उन्होंने, स्वयं शिक्षक पर। तो यानी पहले का आंसर करेक्ट होगा सी, स्वयं शिक्षक पर निर्भर करती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो सीखने का परिणाम कौन सा नहीं है, स्किल, एप्टीट्यूड, मैच्योरेशन और ज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है परिपक्वता, यानी मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है, एटीट्यूड या कॉन्सेप्ट, फैक्ट या स्किल। तो करेक्ट ऑप्शन है स्किल, आंसर नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं, कौन कौन से निम्न कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन थे शिक्षार्थी का सामाजिकरण प्रक्रिया, परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योग्यताएं, और चौथा ऑप्शन था बच्चे का लालन पालन। तो करेक्ट आंसर था इसका सी, यानी विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएँ। नेक्स्ट है, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं, समाजमिति, अंतराक्रिया विश्लेषण, सामाजिक अंतर मापनी, या नेक्स्ट था सोशियोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ए, और ए ऑप्शन कौन सा था आपका, समाजमिति। नेक्स्ट है, यदि आप शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र उत्तर नहीं दे पाता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें पहला ऑप्शन था आस्क हिम या हर टू सिट डाउन, उसे बैठने के लिए कहेंगे, आप किसी अन्य छात्र को उत्तर देने के लिए कहेंगे, उसको दंड देंगे, उसको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यही आपका आंसर करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निर्दोषोपरांत छात्रों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है योजनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, परिकल्पना है, परिकल्पना क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था फलदायक कथन, अस्थायी समाधान, घोषणात्मक कथन या सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सभी। नेक्स्ट है, समस्त उद्धृत अध्ययनों की न्यायोचित वैज्ञानिक सूची को क्या कहते हैं। तो इस सूची को कहते हैं संदर्भ सूची, रेफरेंस। करेक्ट ऑप्शन था सी। नेक्स्ट है, कौन सी शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच की प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डिस्क्रिप्टिव, यानी विवेचनात्मक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुभवात्मक शोध का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शोध जो कि अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन विश्लेषण के लिए विविध वर्गों से एकत्रित समन्वय और समन्वयों का तार्किक एकत्रीकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है घटना अध्ययन, यानी केस स्टडी। नेक्स्ट एक पैसेज है इसमें आपका, और पैसेज के क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में क्या चीज़ है। तो सरकार का संचालन जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पैसेज का और क्वेश्चन था इसमें, लोकतंत्र असफल हो जाता है यदि वह कैसा हो, आर्थिक असमानता हो। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रेपवाइन है, ग्रेपवाइन क्या है, ये अनौपचारिक संप्रेक्षण तंत्र है।
नेक्स्ट अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी अधोगामी संचार। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी? तो ये होगी सभी, यानी अनुभव भी होगा, भावना भी होगी, संस्कृति भी होगी। इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था 12, 20, 18। इसका नेक्स्ट क्या होगा? तो इसका करेक्ट था 30। बी ऑप्शन करेक्ट था इसका। नेक्स्ट है, नीचे दर्शाई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? 9, 8, 8, 8, 7, 8 और 6, 8। तो कौन सी होगी? सी नंबर 8। नेक्स्ट है, ये भी रीजनेज है और इसमें था ई का डी से क्या संबंध है? तो ई का डी से अंकल का संबंध था जो इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए के कितने बच्चे? तो इसमें बच्चे थे उसके 3 और ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कथन है, कथन था सभी टाइपिस्ट फोटोग्राफ स्टेनोग्राफर हैं, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कथन है, इसमें भी कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आपका बी, यानी ओनली 2 फॉलो। 2 में कौन सा था? कुछ अध्यापक लड़कियां हैं बस। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका था 24 और जिसमें आपको पूछा गया था इनमें से ओड क्या है, कौन सी आकृति मेल नहीं खाती इनमें से। तो इसमें था आपका ए, मुर्गी, कुत्ता और बिल्ली। नेक्स्ट आपका इसी में था तो, और इसमें पूछा गया था कलर के बारे में, इसमें भी आकृति पूछी गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 25 का आपका, रंग, कपड़ा और व्यापारी का। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल था, इसमें था आपका DDNNY। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 27 का जिसमें आपको पूछा गया था, इसमें पूछा गया था ए द्वारा सभी विषयों में अर्जित प्रतिशत अंक कितना है? तो इसका प्रतिशत अंक था 68.28। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था आपको भूगोल विषय में 6 विद्यार्थियों द्वारा अर्जित औसत अंक कितने थे? तो इसमें औसत अर्जित अंक थे 74.5। नेक्स्ट ऑप्शन था 29 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था सभी विद्यार्थियों गणित विषय में अर्जित औसत प्रतिशत अंक कितने हैं? तो इसमें थे 54.33। ए आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये चार्ट था जिसमें पूछा गया था किन दो वर्ग अंतरालों की उम्र का संपात 5:10 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 10, 20 और 40, 50 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 31 था, इसमें पूछा गया था आपको किन दो वर्ग अंतरालों में उम्र का अधिकतम अंतर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, 0 to 10 एंड 20 to 30। वेब क्लाइंट क्या होते हैं? तो वेब क्लाइंट वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट था आपका http://www.examination.com, ये क्या है? ये आपका URL है, तो यानी ए करेक्ट होगा इसका, ए करेक्ट होगा, ये URL है। नेक्स्ट है, फॉन्ट और आकार किसके माध्यम से बदला जा सकता है? तो यह इंसर्ट मेनू के माध्यम से बदला जा सकता है कंप्यूटर में। निम्न में से हमें एक ही पत्र को MS Word में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ क्या बनाता है? मेल जॉइन, इस करेक्ट ऑप्शन थे डी नंबर, मेल मर्ज के द्वारा हम एक साथ कई लोगों को वर्ड में मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कथन था जिसमें 36 में पूछा गया था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से के अधिकार उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट था इसमें एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड में बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर में जो चिप लगे होते हैं बहुत सारे उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड इस कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है CPU का। SQL क्या है? SQL क्या है? तो यह स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL कहलाती है।
39 में था, इनमें से कौन सा स्थिर इकोसिस्टम है? तो स्थिर इकोसिस्टम होता है ओशियन, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। हॉटस्पॉट कंसेप्ट का विकास किसने किया? तो किसने किया था, ये किया था नॉर्मन मेयर ने, सी आ इसका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं? तो कौन देता है सबसे ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 में आपके कोड पूछे गए थे, करेक्ट कौन सा है, कोड चेंज करना था इसमें। तो और 42 का करेक्ट ऑप्शन था आपका बी, यानी पहला वाला और दूसरा, बी ऑप्शन करेक्ट था इसमें 1 एंड 4। बायोडायवर्सिटी पूछा गया था इसमें, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना था, जो करेक्ट ऑप्शन था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों। 44 में क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है, जो है एक प्लवमान वन स्थिति से युक्त अनूप होने कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये कौन सा था, ये आपका था बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट था, केइबुल लाइजामो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, 1969 में यूजीसी ने निम्न में से किसकी नियुक्ति की थी? तो ये नियुक्ति की थी विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए विधि निर्माण प्रशासन की। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किसे कहा जाता है? ये फेडरल यानी संघीय विश्वविद्यालय को कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट है स्कोप विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है? तो स्कोप का संक्षिप्तीकरण शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हो रहा है इसका, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ए। 48 है, साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल था, साक्षरता प्रोग्राम के लिए दिए जाते हैं ये। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी ये? तो ये अपनाई गई थी आपकी 10 दिसंबर 1948 को, बी ऑप्शन करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 17/18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट्स के प्रशासक कौन है? तो ये था यूनेस्को। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन।